आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सी के। हम कंपाइलर में चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। नमस्ते कशिश, नमस्ते। अब देखो इसके अंदर जो आज हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। हम एरे का कंसेप्ट पढ़ रहे थे जिसमें हमने 1D पढ़ लिया था, और मैट्रिक्स का कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं 2D, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया BSE 2 3 कॉमा C 2, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला ये है, ये रो को डिनोट करेगा, ये कॉलम को डिनोट करेगा, ऐसी बी में ऐसी सी में। और यहाँ पे हम इंट आई कॉमा जे, हमने दो वेरिएबल ले लिए। अब हम फोर के लूप चलाएंगे, आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन टू, आई प्लस प्लस, फोर जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन थ्री, जे प्लस प्लस, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए, एन एफ परसेंटेज बी कॉमा एंड ए ऑफ आई, ठीक है। ये हमने रो को 2 टाइम्स, कॉलम को 3 टाइम्स, ए की हमने यहाँ पे वैल्यू डाली, आई और जे को हमने ऐसे इनपुट करा लिया। अब हम ऐसे ही फोर जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन इक्वल टू टू, और यहाँ पे हम जे प्लस प्लस करेंगे। यहाँ पे पहले आई ले लो, आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 12, आई प्लस प्लस। अब हम नीचे यहाँ पे आ जाएंगे, जे के लिए हम काम करेंगे यहाँ पे, फोर जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन थ्री, जे प्लस प्लस, एंटर एंटर वैल्यू ऑफ डी, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड बी आई, फिर यहाँ पे हम फोर की लूप चलाएंगे, हम फोर आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन टू, आई प्लस प्लस, जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन थ्री, जे प्लस प्लस, आई जे इज इक्वल टू AI of J plus AI of J। यानी कि हमने क्या काम किया, थर्ड मैट्रिक्स में A और B मैट्रिक्स का हमने इसके अंदर सम करा दिया। बैक स्लैश एन हम प्रिंट करेंगे, मैट्रिक्स A इज बैक स्लैश एन और I is equal to zero, I less than two, I plus plus, four, J is equal to zero, J less than three, J plus plus, printf percentage D, comma A of I, J, new line के लिए हमने backslash m लगा दिया हमने, फिर अभी printf backslash n, matrix B is
स्लैश एन और लूप चलाई, आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन टू, आई प्लस प्लस, जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन थ्री, जे प्लस प्लस, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, बी आई बी जे, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन। अब हम क्या काम करेंगे, थर्ड मैट्रिक्स लेंगे, बैकस्लैश मैट्रिक्स सी इज लूप चलाएंगे हम, आई इज इक्वल टू जीरो, वही जैसे ऊपर चलाई, प्रोग्राम बड़ा जरूर है बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक ही काम को हम बार बार कर रहे हैं यहाँ पे। परसेंटेज डी कॉमा सी ऑफ आई, कंट्रोल एफ नाइन प्रेस करेंगे हम यहाँ पे, फंक्शन कॉल मिस, कंट्रोल एफ नाइन प्रेस करूंगा यहाँ पे, वैल्यू डाली मैंने जैसे इसमें, मैंने बी की वैल्यू डाल दी मैं यहाँ पे, तो ये देखो ये ए का मैट्रिक्स प्रिंट हो गया आपके पास, बी का मैट्रिक्स प्रिंट हो गया, और सी में हमने क्या काम किया, ए और बी का सम करा लिया। इसका स्नैपशॉट ले लो, इसका सभी स्नैपशॉट ले लो, और यहाँ जो हमने प्रोग्राम किया है इसमें, तो देखो प्रोग्राम के अंदर हमने यहाँ पे क्या काम किया, मैंने अभी जैसे बताया कि ए बी सी, मैंने यहाँ पे तीन मैट्रिक्स हमने यहाँ पे ले लिए, आई और जे दो वेरिएबल लिए, हमने पहले रो की लूप चलाई जो टू टाइम चलेगी, फिर आपके पास यहाँ पे कॉलम की हमने लूप चलाई ए मैट्रिक्स की जो थ्री टाइम चलेगी, ठीक। तो ये ए के वैल्यू पूछेगा आपसे, यहाँ पे इस फोर की लूप को हमने यहाँ बंद कर दिया, यही वाला काम देखो फिर हमने नीचे किया, यही प्रोसेस हमने यहाँ पे बी वैल्यू के लिए भी देखो हमने सेम यही प्रोसेस किया, ठीक है। I इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन टू, बी की वैल्यू हमने इनपुट कराई, यही प्रोसेस देखो हमने फिर सी के लिए किया। सी में हमने क्या काम किया, थर्ड मैट्रिक्स में फर्स्ट मैट्रिक्स, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये वाला, और जो ये सेकंड मैट्रिक्स है, इन दोनों का सम करा दिया, और उसके बाद हमने प्रिंट कराने के लिए लूप चला दी, हमने ए मैट्रिक्स को प्रिंट कराने की लूप चला दी हमने, फिर ऐसे ही हमने यहाँ पे मैट्रिक्स बी को प्रिंट कराने की हमने लूप चला दी, फिर इसी तरीके से हमने फिर हम जो है क्या कहते हैं, जो मैट्रिक्स सी को प्रिंट कराने की हमने लूप चला दी, तो उसका रिजल्ट जो है हमें यहाँ पे ये मिलेगा कि हमने पूरे यहाँ पे जो है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स प्रिंट करा दिए, और थर्ड मैट्रिक्स में हमने दोनों का सम करा दिया। कमेंट करके बताइए स्टूडेंट, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? स्टूडेंट कोई इस प्रोग्राम के अंदर कोई आपकी क्वेरी तो नहीं है, आप एक बार देख लीजिए, इसके अंदर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप स्टूडेंट कोई क्वेरी आपकी, हाँ ले लो आप इसका स्नैपशॉट ले लो, मैं इसको ये कर देता हूँ, आप पहले यहां तक का ले लो, यहां से नीचे तक एंटर वैल्यू ऑफ बी तक, उसके बाद यहां से ये तो फर्स्ट के लिए हमने काम किया हुआ है, उसके बाद देखो बी से ले लो, यहां से ये लो, ये यहां से ले लो इसमें,
उसके बाद ये ले लो, बस इतना ही है इसमें। और अब आउटपुट का ले लो, मैं आउटपुट ये लेने के बाद अब आउटपुट का ले लो इसमें। ये ले लो इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ऐसे ही इसके अंदर अब हम एक प्रोग्राम और डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स ट्रांसपोज का। ये वाला क्लियर हुआ? ये बताया तो है नहीं कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो मैट्रिक्स ट्रांसपोज का हम करेंगे इसमें। प्रोग्राम ट्रांसपोज ऑफ गिवन में भी हम वॉइड इंट A23 कॉमा B32 ऐसे हमने इसमें ले लिया। I, J CLRS to clear the screen 4 के लूप चला, I 0, I less than 2, I++ 4, J is equal to 0, J less than 3, J++ enter value scanf percentage D comma and A of I, ठीक है। फिर हम फोर के लूप चलाएं, I is equal to 0, I less than 2, I++। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, फोर J is equal to 0, J less than 3, A++। यहाँ पे हम इसमें B J of I के अंदर, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। B J I के अंदर हमने यहाँ पे क्या काम किया, A of I और A of J को आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है। इस वाली लूप को मैंने यहाँ बंद कर दिया। प्रिंट एफ बैकस्लैशन मैट्रिक्स ए इज बैकस्लैशन, फिर एक फोर के लूप और चलाता हूँ, I is equal to 0, I less than 2, I++, 4, J is equal to 0, J less than 3, A++, और यहाँ पे हम प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा A of I A of J को हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पे लाइन के लिए हम बैकस्लैश एन करेंगे। इसी तरीके से यही जैसे हमने A के अंदर ये काम किया ना, सेम यही प्रोसेस हम B के लिए करेंगे। अब यहाँ पे हम बैकस्लैश एन मैट्रिक्स B इज बैकस्लैश एन और के लूप चलाएंगे, I is equal to 0, I less than 3, I++, 4, J is equal to 0, plus। यहां पे हम क्या काम करेंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा बी I E of J, न्यू लाइन के लिए आप बैक स्लैश लगाओगे यहाँ पे HCH। तो मैं वैल्यू यहाँ पे डालूंगा इसके अंदर, जैसे मैंने डाला 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये देखो, ये मैट्रिक्स ए प्रिंट हो गया। इसने जो हमने देखो रो की फॉर्म में प्रिंट किया हुआ है ना, मैट्रिक्स बी में देखो 10, 20, 30 हमने रो में लिखा हुआ है ना, मैट्रिक्स बी में देखो हमने उसको कॉलम में प्रिंट करा दिया। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। ट्रांसपोज का काम हमने यहाँ पे कहाँ किया था, ये देखो फर्स्ट यहाँ पे तो हमने इसको देखो, इसमें हमने 2 और 3 लिया हुआ, इसमें हमने 3 और 2 ले लिया। यहाँ पे रो वाइज चली लूप 2 टाइम्स, कॉलम वाइज चली 3 टाइम्स, ठीक है।
यहाँ पे हमने मैट्रिक्स के एलिमेंट को इनपुट करवा दिया, और यहाँ पे ये देखो ट्रांसपोज वाला हमने काम किया हुआ है। बी ऑफ जे आई के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को हमने स्टोर कर दिया, यहाँ ट्रांसपोज कर दिया। बाकी तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स को क्या किया, ए और बी को हमने जस्ट प्रिंट किया, ठीक है। इसका भी स्नैपशॉट ले लो और मुझे कमेंट करके ये बताओ कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कोई क्वेरी है तो वो पूछो मुझसे, यहां से लेकर यहां तक का इसका स्नैपशॉट ले लो। उसके बाद ये यहां तक तो ले लिया होगा, उसके बाद ये यहां से ये लो, और इतना ही प्रोग्राम है, आगे तो गेट सी एच लिखा हुआ है। ठीक है, आउटपुट का लेना है तो देखो आउटपुट का ले लो, यहाँ पे ये आउटपुट का है। स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ कमेंट करके बताइए, ये वाला प्रोग्राम कंसेप्ट क्लियर हुआ मैट्रिक्स ट्रांसपोज का, ट्रांसपोज और मैट्रिक्स समझ में आया आपको? आप कमेंट नहीं करते, बताते नहीं कि हाँ कोई क्वेरी है, ये समझ में आया नहीं आया सबको। इधर कविता को तो समझ में आ गया, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं आशुतोष, पिंकी, प्रभा, राहुल, सुजाता, ट्विंकल, मैंने कहा था कि पीछे वो उनको रिवाइज करना, रिवाइज किया था आपने? बाकी राहुल ठीक है, बाकी ओके। तो ये हमने प्रोग्राम जो किया था स्टूडेंट, डिस्कस किया था हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, ठीक है ना। अब स्टूडेंट देखो, मैंने आपको इसके अंदर मैट्रिक्स का, मैंने जैसे इसके अंदर आपको प्रोग्राम कवर कराया, अब मैं इसके अंदर आपको मैट्रिक्स के साथ स्ट्रक्चर कैसे यूज करते हैं मैं वो बताऊंगा आपको। मैट्रिक्स के एक आध कोई प्रोग्राम है इंपॉर्टेंट, वो मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन अब मैं इसमें आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एरे के अलावा अलग टॉपिक है आपका, तो देखिए अब हम स्ट्रक्चर यूज करने जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, स्ट्रक्चर डिफरेंट डाटा टाइप से मिलके बनता है, इंक्लूड हैश कोनियो डॉट एच स्ट्रक्ट। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के लिए हम स्ट्रक्ट नाम देंगे, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं स्ट्रक्चर ले लेता हूं यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है। तो एक तरीके से मैं यहाँ पे कमेंट करके बता देता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये एक तरीके से ग्लोबल स्ट्रक्चर हो गया। ग्लोबल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जो हम मेन फंक्शन से बाहर यूज करते हैं। तो व्हाट इज ए स्ट्रक्ट, मैं यहाँ पे कमेंट लिख रहा हूं आपके लिए, स्ट्रक्ट इज ए कीवर्ड एंड डिस्टेंस है, डिस्टेंस है इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे देखो इंट में ले लिया हमने फीट, और यहाँ पे देखो इंचेस में ले लेता हूँ फ्लोट के अंदर। आपको याद होगा जब मैंने आपको एरे पढ़ाया था तो ये कहा था कि जो एरे में एलिमेंट होते हैं ना वो सेम डेटा टाइप के एलिमेंट होते हैं, याद होगा आपको, ठीक है, नहीं तो वीडियो में देख लेना यूट्यूब पे। लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है इसके डेफिनेशन क्या है कि ये इट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, यानी कि हम इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, फ्लोट भी यूज कर सकते हैं, और करेक्टर भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ स्ट्रक्चर को मैंने बंद कर दिया, दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। वॉइड में CLRSQ यूज टू क्लियर द स्क्रीन, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड हो गया, स्ट्रक्चर का नाम क्या है डिस्टेंस, D1 इसका ऑब्जेक्ट है, D1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस स्ट्रक्चर,
ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर आपने क्या लिखा, डी वन डॉट फीट, यहाँ फीट दे दिया 12, डी वन डॉट इंचेस मैंने यहाँ पे दे दी इंचेस 9.5, प्रिंट करा दो बैक स्लैश एन फीट परसेंटेज डी, बैक स्लैश एन इंचेस परसेंटेज 0.2f कॉमा डी वन डॉट इंचेस गेट सी एच। इसको बंद कर दो यहां से, स्क्रू वन, कंट्रोल एफ एन प्रेस करो यहां पे, तो ये देखो ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी, यानी कि 12 फीट 9.5 इंच। तो ये होता है स्टूडेंट आपके पास स्ट्रक्चर। व्हाट इज ए स्ट्रक्चर, कई बार क्वेश्चन भी ये पूछ रहे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्चर। यू कैन से दैट एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स एंड स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? स्ट्रक्चर का मीनिंग सबको समझ में आया कि जो स्ट्रक्चर होता है इट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे जब हम सी प्लस प्लस में प्रोग्राम पढ़ेंगे ना, सी प्लस प्लस जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आगे यही कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो स्ट्रक्चर में हम एक से ज्यादा डेटा टाइप को एक साथ यूज कर सकते हैं। कमेंट करके बताओ, फटाफट बताओ मुझे आशुतोष, कविता, प्रभा, राहुल की, भाई सुजाता कि आपको इस स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया। एरे में सेम डेटा टाइप के एलिमेंट होते हैं जबकि स्ट्रक्चर में अलग अलग होते हैं। स्ट्रक्चर का हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा स्टूडेंट। ये डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट हमने बनाया डी वन, डी वन के ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो डॉट का साइन डाला है ना हमने, जो ये डॉट का साइन है, डॉट के साइन को हम क्या बोलते हैं, मेंबर असेस ऑपरेटर। ठीक है, ये क्यों बुलाया, क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट के साथ इस वेरिएबल को जोड़ना चाहते हैं। फिर डी वन के साथ हमने किसको जोड़ दिया, यहाँ पे हमने इंचेस को जोड़ दिया, यहाँ पे हमने फीट डाल दिया, यहाँ हमने इंचेस डाल दिया और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया। अब देखो इसके अंदर आगे, अब ऐसे ही फ्रेंड हम कुछ और प्रोग्राम्स डिस्कस कर लेते हैं। एक स्ट्रक्चर का एक सिंपल सा मैं प्रोग्राम आपको और कवर कराता हूँ कि मान लो इसका स्नैपशॉट लेना है तो ले लो इसका स्नैपशॉट। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया होगा आपने, और अब आउटपुट ले लीजिए इसके अंदर ऑल्ट प्लस F5 मैं प्रेस करता हूँ, ये आउटपुट आ जाएगा। देखो स्ट्रक्चर को एक और प्रोग्राम में आपको जो है मैं क्लियर करवाता हूँ यहाँ पे। ये एक काम करो, आज अभी इतना ही पढ़ लो तुम, पहले इतना ही समझो, कल करवाऊंगा स्ट्रक्चर कुछ और एग्जांपल। ठीक है, आज इतना ही समझ लो। ये उन्हीं को दिक्कत आ रही है जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देख रहे, जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देख रहे मेरे यूट्यूब के ऊपर, या जो कभी कभी क्लास लगा रहे हैं उनको दिक्कत आ रही है, बाकी जो रेगुलर लगाने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं इतने अच्छे तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। जो नहीं रेगुलर क्लास लगा रहे, जो मतलब जिनका मन ही नहीं है सीखने का, उनको प्रॉब्लम आ रही है।